अनंत सिंह के समर्थकों ने एक बार पुनः सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया है और आज उन्होंने जदयू नेताओं के साथ कुछ तस्वीरें भी जो है वो जारी की है और इन तस्वीरों में क्या कुछ खास है जानने के लिए बात करते हैं बंटू सिंह से। सर, क्या है ये तस्वीर और क्यों इसको आप लोग साझा कर रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि आज तक जितना हम सबूत पेश किए अभी तक उसका कुछ रिपोर्ट नहीं आया। आप लोग मीडिया बंधु जानिए रहे हैं कि जो भी एफसेल में ये सीडी जो वायरल हुआ थी 247 वाला, उसका कोई अभी तक जांचे नहीं हुआ है। खोज रहा है प्रशासन, सीडी में पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, अभी खोजिए रहा है प्रशासन। ये जो है अभी तक विवेका पहलवान पर FIR नहीं हुआ, किसी का कुर्की नहीं निकला, किसी का कोई कुछ नहीं हो रहा है और विधायक जी के आदमी के साथ कितना तत्परता से हुआ सब कुछ आप लोग देख ही रहे हैं। आज जो हम कुछ फोटोग्राफ्स जो आप लोग को हम दिखा रहे हैं, इसमें ये देखिए, ये जो है कुख्यात आदमी है, एक बिहार स्तर की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी के साथ इसने गलत काम किया था, जो कि नीरज उस पर हाथ पर हाथ रख के उससे हंस रहे हैं और एक जगह फोटो नहीं है, कितने जगह। देखिए, ललन बाबू के प्रचार का है, देखिए प्रचार कर रहा है, अब देखिए ये ललन बाबू के साथ है, देखिए फूलमाला उड़ा रहा है और ये 1.5 साल से 2 साल से है इस पर केस और खुलेआम घूम रहा है। रे भाई, क्या है रे भाई, देख लीजिए एक जगह। ये जो है मुकेश सिंह और भोला सिंह जो कुख्यात अपराधी है पंडारक का, उसका दाहिना हाथ है और यही अभी सारो कारोबार देख रहा है और प्रशासन उसको खुलेआम घूम रहा है, प्रशासन को कुछ पता नहीं। देखिए, लिपि सिंह का हम तो नामकरण पहले कर दिए हैं कि उनका नामकरण हो गया। अरे भाई, जनते किया है, हम नहीं किए हैं। लिपि सिंह उर्फ लिपा पोती सिंह, ये उनका नामकरण हुआ। तो आप लोग ये देखिए रहे हैं, अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है। लखीसराय में मेरा जो, देखिए ये फोटो, लखीसराय में उसका भाई जो है विधायक जी को माला और चुनाव में सभा किया था रविदास में, तो देखिए उसकी भाई की हत्या हो गई, कोई गिरफ्तारी नहीं, सब भोला सिंह का आदमी था, सारे प्रशासन जान रहे हैं। वो 164 का बयान भी दर्ज कराना चाह रहा है मगर अभी तक नहीं हो पा रहा है, उसमें नाम देना चाह रहा है, प्रशासन गुमी, क्योंकि बहुत बड़े सांसद सेटरबाज हैं। रे भाई, आप ऑडियो में सुनवे किए कि कैसा उस सेटरबाज हैं, अभी तक उस ऑडियो का भी वॉइस टेस्ट नहीं हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ, कुछ नहीं रह गया है बिहार में कानून, कहाँ चले गए नीतीश बाबू का सुशासन, न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, ये 500% जुमला साबित हो रहा है, 500% ये बात। और मेरे बारे में खोजले चल रहे हैं कि कहाँ है बंटू का, प्रशासन गुंडा को नहीं पकड़ रहा है, प्रशासन जो है मेरे बारे में पता लगा रहा है कि ये क्या है। अरे हमें कुछ नहीं है, आइए ना भाई सामने, कोई तो आइए पता लगाइए, कुछ नहीं, कहां 47 मिला, कोई पूछताछ नहीं। जो चंदन और बिक्की पकड़ाया, चंदन और बिक्की कह रहा है कि हम विवेका पहलवान को जानबे नहीं करते हैं, आ कोर्ट में कह रहा है कि हम संजय सिंह उनके भाई के में गवाह दिए हैं, गवाह है, गवाह हैं, कैसा है भाई खेल, लिपा पोती सिंह का कैसा खेल है रे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और प्रिंट मीडिया में निकल जाता है कि विधायक जी को 7 दिन के रिमांड पर, 10 दिन के रिमांड पर, दिखाइए हमको कहां प्रशासन दिए हैं रिमांड पर। दो तरह की रिमांड होती है, एक जुडिशियली और एक पुलिसिया रिमांड, समझ गए, तो ये जुडिशियली रिमांड थी, मगर क्या करे रे भाई, बेचारे मीडिया बंधु भी परेशान रहते हैं, इतना दबाव है उन लोग पर, सब जान रहे हैं हम। तो आप लोग तो राज्यपाल से भी मिलने जा रहे हैं? हाँ, अब तो मिलेंगे राज्यपाल महोदय से, हम कागज आप लोग को दिखाए हैं, ये राज्यपाल महोदय को दे के आए हैं, क्या तो अभी बुखार उखार लगा हुआ है उनको, उसके बाद नंबर लिए हैं और बोले हैं कि जो है कि हम आप लोग को जरूर समय देंगे और फोन करेंगे, उसके बाद फोन करके आप लोग को बुला के। तो देखिए, बिल्कुल आनंद सिंह के समर्थकों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह सरकार और प्रशासन उनके तमाम सबूतों के पेश करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, ऐसे में सरकार के सुशासन के हर उस तमाम दावे पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठना कहीं ना कहीं लाजमी भी है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने राज्यपाल से भी गुहार लगाई है और उनसे मुलाकात के लिए समय भी मांगा है, ऐसे में देखना होगा कि अब राज्यपाल कब इन लोगों को समय देते हैं। सहयोगी आनंद भूषण के साथ नवनीत कुमार, AB News, पटना।